नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लिए पूरे देश में राम भक्त चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। राम भक्तों ने यह ठान लिया है कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करेगी। इसलिए राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरी दुनिया के राम भक्त चंदा दे रहे हैं। एमपी में भी हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रैली निकालकर चंदा इकट्ठा करने में जुट गए हैं। पिछले दिनों इसी चंदा इकट्ठा करने वाली भीड़ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई राम भक्त घायल भी हुए थे। लेकिन लगातार दो बार हमला होने के बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर चंदा इकट्ठा करने का काम बंद नहीं किया। चंदा इकट्ठा करने वाली राम भक्तों की रैली पर हमला होने के बाद कांग्रेस ने इन्हीं राम भक्तों की मंशा पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब इसी एमपी कांग्रेस के कार्यकर्ता राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने निकल पड़े हैं। दरअसल कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मैदान में उतरे और व्यापारियों को पैम्पलेट बांटकर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में दान देने की अपील की। साथ ही इन्होंने व्यापारियों को यह भी समझाया कि ये किसी व्यक्ति या संगठन को चंदा देने की बजाय सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को चंदा दें। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि राम मंदिर के ताले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे। लेकिन कांग्रेसी ये बताना भूल गए कि इन्हीं के पार्टी के नेता कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये वही लोग हैं जो लगातार राम मंदिर निर्माण का कोर्ट में जाकर विरोध कर रहे थे। लेकिन अब शायद इनको पता चल गया है कि बिना राम के नैया पार नहीं लगने वाली, इसलिए कांग्रेसी नेता राम भक्त बनकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। हाल ही में कांग्रेस दफ्तर के बाहर किसी ने भगवा झंडा लहरा दिया था, जिसको देखकर कांग्रेसी नेता भड़क उठे थे। इसीलिए सवाल उठता है कि जिस कांग्रेस के नेता भगवा देखकर भड़क उठते हैं, वो राम भक्त कैसे हो सकते हैं? ये लोग राम के नाम पर दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और सियासी फायदा तलाशने में लगे हुए हैं। जो भगवा तिरंगा झंडे में सबसे ऊपर आता है, उसी रंग से ये कांग्रेसी परहेज करते हैं और कैमरे के सामने राम भक्त बनने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेसी सड़क पर चंदा इकट्ठा करने तो निकले ही, लेकिन इन्होंने हिंदू संगठनों के द्वारा मांगे जाने वाले चंदे का विरोध भी किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि किसी हिंदू संगठन को चंदा देने के बजाय सीधे राम मंदिर ट्रस्ट को पैसा भेजा जाए। ऐसा करके इन कांग्रेसियों ने हिंदू संगठनों की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि हिंदू संगठनों के लोग कांग्रेसियों की इस हरकत का जवाब किस तरह से देते हैं, क्योंकि कांग्रेसियों ने उन राम भक्तों पर सवाल खड़े किए हैं जो वर्षों से राम मंदिर निर्माण का सपना देख रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।